हेलो चिल्ड्रेन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज शिल्पी तिवारी और आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर फ्लाइंग हाई की समरी फ्लाइंग हाई का मतलब होता है उड़ना और कहाँ उड़ना ऊंचा उड़ना और ऊंचा फिर हम कहाँ उड़ेंगे आसमान में उड़ेंगे और ये चैप्टर में वी स्टडीड अबाउट बर्ड्स हु फ्लाई हाई इन द स्काई यस वी स्टडीड अबाउट सो मैनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स उनके क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कैसे उनके फेदर्स होते हैं दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स दे मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स उनकी ईटिंग हैबिट्स भी डिफरेंट होती है एंड हमने पढ़ा था बहुत कुछ इस चैप्टर में जिसमें हमें पता चला कि सारे बर्ड्स कहलाते तो पक्षी हैं बट उन सब में होते हैं अलग अलग फीचर्स और इस तरह से हमने ये चैप्टर को समझा था तो अब हम करेंगे इस चैप्टर की समरी और जानेंगे और भी कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन सो फ्लाइंग हाई इन दी स्काई येस हम आसमान में देखते हैं बहुत तरह के पक्षी जो उड़ते हैं बहुत ऊंचा बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड कलर्स दे ऑल्सो मेक डिफरेंस यस बर्ड्स जो होते हैं उनके फेदर्स अलग होते हैं उनके साइज अलग होते हैं उनके कलर्स अलग होते हैं फॉर एग्जाम्पल वी सॉ पैरेट ग्रीन कलर का होता है रेड बीक होती है पिजन ग्रे कलर का होता है बीक पिंक होती है एंड ऑल्सो वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स वन थिंग इज कॉमन इन बर्ड्स ऑल हैव अ बीक, अ पेयर ऑफ विंग्स विथ फेदर्स ऑन देम, अ टेल एंड टू लेग्स विथ क्लॉज। लेकिन एक चीज जो सारे बर्ड्स में कॉमन थी वो क्या थी सभी के पास क्या था बीक था बीक मतलब चोच अ पेयर ऑफ विंग्स सबके पास में पंख थे पेयर के विथ फेदर्स ऑन देम और उसमें क्या था फेदर्स थे ओके okay. टेल एक पूंछ थी विथ टू लेग्स क्लॉज ऑन देम और दो पैर थे जिसमें क्लॉज थे क्लॉज मतलब पंजा ओके तो ये चीज थी बर्ड्स में कॉमन थे तो हर चीज अलग अलग थी दिखती अलग थी बट ये जो थे बॉडी पार्ट वो सारे बर्ड्स में क्या था कॉमन था ओके चिल्ड्रन देन बीक हेल्प द बर्ड टू ड्रिंक वॉटर बीक बर्ड्स को क्या करती है हेल्प करने में टू ड्रिंक वॉटर ईट देयर फूड स yes, मुंह की अगर कोई चीज है तो खाना खाने में मदद करेगी ऑल्सो बीक हेल्प्स बर्ड टू ईट देयर फूड एंड चेंज देअर डरेक्शन्स वाइल फ्लाइंग और जब वो उड़ते हैं एंड दे वॉन्ट टू चेंज द डायरेक्शंस क्या उनकी मदद करता है उनकी बीक उनकी हेल्प करती है टू चेंज देअर डरेक्शंस वाइल दे फ्लाई इन द स्काई बर्ड्स सिट ऑन देयर लेग्स विच ऑल्सो हेल्प देम टू हॉप बर्ड्स अपने लेग्स के सहारे क्या करती हैं बैठती हैं और फिर अगर उनको वहीं पे बैठे बैठे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वो हॉप कर कर के चली जाती हैं तो इस तरह से उनके बॉडी पार्ट्स उनके मूवमेंट्स में करते हैं मदद ओके चिल्ड्रेन देन क्लॉज ऑफ द बर्ड्स हेल्प देम टू ग्रिप सम थिंग वेन दे सेट ऑन वायर और पोल जो पक्षी के जो पंजे में जो पंजे होते हैं वो जैसे वो पोल पर बैठते हैं वायर पर बैठते हैं तो उसको ग्रिप करने में करते हैं उनकी मदद ग्रिप मतलब कसने में कि वो कहीं गिर ना जाए ओके दे ऑल्सो हेल्प सम बर्ड्स टू कैच देअर प्रे यस, सम टाइम्स क्लॉज ऑफ बर्ड्स हेल्प दी बर्ड्स टू कैच देअर प्रे प्रे का मतलब क्या होता है शिकार शिकार पकड़ने में भी क्लॉज उनकी क्या करते हैं हेल्प करते हैं बट सम बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू कैच देयर प्रे बट कुछ बर्ड्स अपनी चोच को यूज करती है कैच करने के लिए न्यू फेदर्स ग्रो फ्रॉम टाइम टू टाइम वेन ओल्ड फेदर्स फॉल अवे येस वी स्टड कि जो न्यू फेदर्स होते हैं वो आते जाते हैं और ओल्ड फेदर्स टाइम टू टाइम गिरते रहते हैं फॉल करते हैं सम कॉमन बर्ड्स वी सी अराउंड आर स्पैरो पिजन क्रो पैरट ईगल पिकॉक डक हैन हैंसेट्रा ये है कुछ एग्जाम्पल्स कॉमन बर्ड्स के विच वी सी इन आर डे टू डे लाइफ जिसमें से वी सी हैव हैव सीन सीन वी पिजन हैगल पी पीकॉक डक हैन एक्सेट्रा सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स विच आर वेरी कॉमन एंड वी सी इन आर डे टू डे लाइफ ओके चिल्ड्रेन तो ये आपको समझ में आ गया कि इनके होती है एक टेल दो होते हैं लेग्स जिसमें होता है क्लॉज पेयर ऑफ विंग्स जिसमें होते हैं फेदर्स और बीक और ये सारी ही चीजें एक बर्ड को अपनी सारे काम करने में करती है मदद ओके okay, चिल्ड्रेन सो दिस वॉज द समरी ऑफ दिस चैप्टर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विथ मेनी क्वेश्चन आंसर्स एंड सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकिन उससे पहले मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन गार्डन टू ट्वेल्थ फ्री वीडियोज ओके बाय बाय